मित्रों नमस्कार, मैं संजय पद की स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी ऑफिशियल दो, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। पिछले कई एपिसोड में मैंने अपने तरीके से आपको संगीत के बारे में जो भी कुछ समझाने की कोशिश किया हूं, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों की तरफ से मिला है। बहुत से लोग मेरी इस तकनीक से, तरकीब से अपने गाने में कुछ नया हासिल कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं ऐसे निरंतर आपके लिए कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करते रहूंगा कि जो भी ट्रेडिशन चलते आई है उसमें कुछ अलग सोचने का जो विचार है, यही आदमी को उन्नति के मार्ग की ओर ले जाता है। और जहां तक सवाल है रियाज, गाना, खाना पीना, ये सब संगीत के लिए जितनी आवश्यक बातें हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि फिलहाल में ठंड का मौसम है, तो इस कारण आप जितना भी अपने गले के लिए जो भी कुछ अच्छी बातें हैं उसको गले को जतन करने के लिए करना जरूरी है। सबसे पहले तो ठंड के लिए क्या करना है, जहां से बच सके ठंडी चीज या जो ठंड है, पहले देखो सब माहौल बदल रहा है, ठंड का कहर, कोरोना का कहर, बेरोजगारी का कहर, इसमें ये जो ठंड है ये तो और कुछ अलग बीमारी लेके आई है। तो पहले ही बाहर जाने का डर है, उससे घर में भी बैठ के आदमी कुछ ना कर पा रहा है, तो एक काम करना, जितना भी अपने गले को साबित रख सके गर्म पानी पी के या कुछ भी चीजें ना खा के, ठंडी से जितना भी परहेज कर सकते हो उतना कीजिए। दूसरी बात, रात में जब सोते हो तो नाक और कान मुंह बांध कर सोइए। जब तक ये चीज नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि आप ठंडी हवा अंदर जाने के बाद में वोकल कॉर्ड के ऊपर स्वेलिंग आ जाता है। ये सब चीजें मैं इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि संगीत सीखने वाला आदमी खाली आवाज अच्छी होने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। दिमाग अच्छा रहने से फर्क तो पड़ता ही है, पर दिमाग के साथ में आवाज भी अगर अच्छी है तो सोनों पे सुहागा हो जाता है। इसलिए जो भी लोग गाना गाना चाहते हो, उन्होंने अपने गले के लिए क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना, ये उनको खुद को तय करना है। कोई लोग हिमाचल में रहते होंगे, कोई कश्मीर में रहते होंगे, और जहां पे ठंडा है मौसम वहां पे रहते होंगे, उन्होंने अपने अपने तरीके से तौर तरीके से जीना सीख लिया है। पर हम लोगों को गर्मी भी आती है, पानी भी कभी बेवक्त बरसता है, ठंड भी ज्यादा पड़ जाती है, तो हमको उसकी आदत नहीं होती, तो ज्यादा इफेक्ट हम पे हो जाता है। जिन लोगों को पहले से आदत बनी पड़ी है उनके लिए कोई वो करती है अपनी इसका गले का हिसाब रखती है, पर जो लोग अलग एरिया में रहते हैं जहां पे मौसम का कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता, वहां के लिए मैं बोल रहा हूं, उन्होंने अपने गले के लिए जो कुछ करना है वो गले की एहतियात बरते और तबीयत की भी फिक्र करें, क्योंकि माहौल खराब है। अब कब तक चलेगा ये पता नहीं, लेकिन ये तो निकल जाएगा, पर ठंड तो हर साल आती रहेगी और आपको हर साल गाते रहना पड़ेगा। तो जब तक तलवार को धार नहीं होती है तब तक किरदार पे भी धार नहीं आती। तो अपनी तलवार कौन सी है, तो अपनी तलवार है गला। और गले को मैं कभी बच्चों को जब सिखाता हूं तो बोलता हूं कि देखो गला बोलने के लिए मिला है, गाने के लिए हमने उसको तैयार करना है। जंगल में हजारों पेड़ उगते हैं, मूर्तियां नहीं उगाई जाती। मूर्तियां बनाने वाला कारीगर अलग होता है। आप जिस भी शिक्षक के पास पढ़ते हो तो आपको ये चीज समझ मिलना चाहिए कि वो शिक्षक हमको किस तरीके से तराश रहा है। एक 4-6 महीने में मालूम पड़ जाता है कि हम किस लेवल में थे और किस लेवल पे जा रहे हैं, या पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। आप बिना बोले वो सब चीज समझ सकते हो। आप में अगर तरक्की है तो सबसे पहले तरक्की होती है दिमाग की। आपके दिमाग में ही अगर कोई चीज नहीं बैठती है तो वो जुबान से बाहर निकलेगी नहीं। आप सोचोगे कुछ और निकलेगा कुछ और,
ऐसा नहीं होता, ऐसा जहां होता है तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। गंधार, मध्यम, षड्ज, इन सुरों की जगह पक्की करनी है। इसके साथ में ताल भी है। अब संगीत यानी एक साथ दो दो तीन तीन चीजों का जो मिश्रण होता है उसका प्रदर्शन करना जरूरी होता है। सुर पे ध्यान दिए तो ताल बिगड़ गया, ताल पे ध्यान दिए तो शब्द बिगड़ गए, ऐसा सभी साहब होता है।